आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे फिजिकल एजुकेशन का आज एग्जाम हो गया क्लास 12th का, तो आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये आंसर 99% मान लो सही है, कोई कोई ऑप्शन आपको यदि डाउट हो तो आप उनको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते, देख लो आप लोग को सब कुछ लिखा हुआ है, कोड भी है इस बार का ये, और 2020 का पेपर है, 3 घंटे का पेपर हुआ था, इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे, तो क्वेश्चन तो और इस बार का सेट जो था ना सबका 4 था, ठीक है। तो आप लोग को क्रॉस चेक कर लेना चाहिए कितने आपके सही हुए हैं। तो मैं अब चलता हूं बनाने आंसर। तो सेक्शन ए में आपको 20 ऑब्जेक्टिव दे रखे थे, ठीक है। तो अब देखिए, कंपटीशन इज ऑर्गेनाइज आउटसाइड द बाउंड्री वॉल ऑफ द इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड एक्स्ट्रा म्यूरल्स। मतलब आप देखो, एक का आंसर क्या हो गया, सी हो गया, वन का आंसर कितना हुआ, सी, ठीक है। अब देखो, आप ये भी बोल सकते हो ये कैसे हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो इसका आंसर आप कैसे बोले, ठीक है। तो अभी मैं बस आंसर बता रहा हूं, बाद में आपको जिस क्वेश्चन पे डाउट हो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, लीग टूर्नामेंट को हम हमेशा क्या कहते हैं, उसको ऑल्सो नोन एज राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। मतलब दो का आंसर क्या हुआ, सी, ठीक है। लीग, और ये मैं, ये क्वेश्चन एक बच्चे का है इसीलिए वो आंसर टिक करके आया हुआ है, इसीलिए मैं उसमें अब टिक नहीं करना चाहता। तो वो दो का सी मारा है, लेकिन ये सही आंसर है, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट होगा, ठीक है। तीन का देखिए, एनर्जी यील्डिंग आपको पता होता है कि कौन सा होता है, प्रोटीन और बॉडी बिल्डिंग कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटेक्टिव क्या होता है, विटामिन, और फाइबर क्या होता है, सेल्यूलोज। तो ये इसका आंसर क्या चला गया, बी, ये बी आंसर आपको चले गया। और इस बार सबका सेट एक ही था, फिजिकल एजुकेशन का हर बार एक ही सेट आते हैं, तो आप लोग क्रॉस वेरीफाई आराम से कर सकते हो। ये नहीं कि इसका क्वेश्चन एक में है तो मेरा क्वेश्चन 5 में होगा, सबका एक लाइन से होगा। तो अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन आर कॉल्ड फिश मीट एंड एग्स, ठीक है। इसके मतलब ये आपको भी पता होगा, प्रोटीन जो होते हैं वो सबसे ज्यादा किससे, मीट से मिल सकते हैं, या एग से, या फिश से। ग्रीन वेजिटेबल से इतना ज्यादा प्रोटीन जल्दी नहीं मिल पाएगा। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आसन परफॉर्म द इमीडिएटली आफ्टर द मील्स। मतलब खाना खाने के बाद आप कौन सा आसन कर सकते हो तुरंत, वज्रासन। तो इसका आंसर 5 का क्या हो गया, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग आसन इज नॉट रिमेडल आसन ट्रीटिंग फॉर ओबेसिटी। मतलब देखो, मोटापा में, मोटापे के लिए इसमें से कौन सा आसन नहीं है, तो आपको भी पता होगा, टडासन, वज्रासन, त्रिकोणासन, अर्धमत्स्यासन और हस्तासन जो होते हैं वो ओबेसिटी के लिए होता है, तो ओबेसिटी के लिए इसमें से कौन सा नहीं है, टडासन। अब देखिए इसमें से, इसका आंसर मुझे अभी नहीं पता तो मैं बाद में बताऊंगा। एसपीडी मैं अभी खुद से वो मतलब कि चेक भी किया हूं, और जो जो इसका सही है वो इसमें मैं टिक किया हूं। देखिए वो जो बच्चा था वो पॉइंट पॉइंट करके आया, तो मैं जब वीडियो बना रहा हूं तो फिर अब मैं टिक कर लिया हूं और मैं बता रहा हूं, ठीक है। एसपीडी मींस आपको भी पता होगा, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है, स्पेशल नहीं होता, यानी कि 7 का बी आंसर आ गया। अब देखिए इस बार बहुत ही फुल फॉर्म, मतलब दो तो फुल फॉर्म ही आ गए थे, ADHD means होता है, आपको पता है, ऑटोन्यूशन डिफिकल्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी। और तो आपको मैं अभी बताया था ADHD means मतलब क्या होता है, अटेंशन डिफिकल्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर आप चेक कर सकते हैं, एबनॉर्मल कर्व जो होता है स्पाइन एट द फ्रंट, वो कैसा, लॉर्डरिसिस। ये बच्चा अपना मारा था काइफोसिस, तो ये आंसर इसका क्या जाएगा, लॉर्डरिसिस। इन बो लेग्स देयर इज अ, बो लेग में आपको भी पता है वाइड गैप होता है, उसी से इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है काइफोसिस, ठीक है। तो 10 का आंसर क्या आ गया, ए। 11th का देखिए, द वेट ऑफ द मेडिसिन बॉल ऑफ द गर्ल एंड बॉय बोरो टेस्ट रिस्पेक्टिवली। जो एनसीईआरटी में दे रखा है ना, 1 kg में दे रखा है, और 1 kg तो गर्ल्स के लिए, 3 kg बॉय के लिए, तो इसमें लेकिन पौंड में दे रखा है, तो हमें पौंड का ही आंसर देना पड़ेगा, ए, क्योंकि 1, 2 नहीं दे सकते, 3, 4 भी नहीं दे सकते। तो 11th का आंसर क्या आ गया, ए आ गया अपना। 12th का देखो, रॉक पोर टेस्ट जो यूज किया जाता है मेजर टू एंड्योरेंस के लिए किया जाता है, मतलब क्षमता के लिए, सहन क्षमता के लिए ये यूज किया जाता है। 12th का हिंदी भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब 13th का देखो, स्प्रेन इज इंजरी, मतलब मोच किस प्रकार की चोट है, तो स्प्रेन आपको भी पता है लिगामेंट होता है, ये बच्चा ज्वाइंट मार गया, तो ये इसका गलत हो जाएगा। द कैपेसिटी ऑफ मसल्स टू एब्सॉर्ब एंड कंज्यूम द ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीजन इनटेक। हम जब ऑक्सीजन लेंगे तभी वो इसका आंसर होगा, मतलब कि इसका मैं किसी का वो नहीं करना चाह रहा डिस्कशन, जिस क्वेश्चन पे आपको दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
आप देखिए, एक्सीलेशन इज ऑब्जेक्ट विच इंक्रीज द नेट फोर्स इंक्रीज डिपेंडिंग अपॉन मास. इसमें ना ही वॉल्यूम आ सकता है, ना ही शेप आ सकता है, ना ही डेंसिटी आ सकता है. अब 16 क्वेश्चन देखो, आपको बच्चा वाला क्वेश्चन दिया, फ्रिक्शन इज ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. मतलब कि इसका आंसर क्या आ गया, सी आ गया. अब देखो, इंडोमॉर्फिक, म्यूजोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक आर द टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज, ये तो इसके एग्जाम्पल ही है. और देखो, द सोर्स ऑफ इंट्रेंसिंग मोटिवेशन, मतलब कि जो होती है आंतरिक प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा जो होती है लेना, वो हम अपने आप से ले सकते हैं और किसी से नहीं ले सकते हैं. भाई बहन से भी नहीं ले सकते, फैमिली से भी नहीं ले सकते, ना टीचर. तो 18 का आंसर क्या हो गया, सी. देखो 19 क्वेश्चन देखो, वाइल्ड एक्सरसाइजिंग द मल्टी जिम द टाइप ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन दैट अकर्स, इसका क्या होगा, इंसेंटिक. मतलब इसमें ऐसे भी आ कर सकते हो, ये तीनों तो इसके एक पार्ट है, ये इसके पार्ट नहीं है, इसका मतलब यही इसका पार्ट होना चाहिए. अब देखो, रेजिस्टेंस जो होता है वो एबिलिटी अगेंस्ट द फैटिग्यू इज कॉल्ड स्ट्रेंथ. ये स्ट्रेंथ का एक मतलब कि वो डेफिनेशन ही है. तो आप लोगों को इस चैनल पे, मेरा चैनल आपको लोगों को पता ही होगा, प्रिंस DVIS, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करना. और आपको मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का जो ऑब्जेक्टिव पेपर आएंगे, मैं उसका भी सबसे पहले वीडियो आप लोगों को दूंगा. तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें. थैंक यू.